नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र हिगड़े में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे। तो सब सभी जानते हैं हमारे सौर्य मंडल में 9 ग्रह होते हैं और इन सभी ग्रहों पर सूर्य की रोशनी का बहुत ही बेजोड़ असर होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जितने भी ग्रह हैं सूर्य की रोशनी में इनका अपना अस्तित्व उतना ज्यादा ये नहीं दिखा पाते, तो सूर्य का प्रभाव ऐसे भी भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ये सारे ग्रह हमारे आपके सभी के ऊपर अलग अलग समय में अपना असर डालते रहते हैं। दोस्तों जो जैसा ग्रह है वो उसके ढंग से ही आपकी कुंडली में अपना असर छोड़ेगा। उसके कारण ये हमारा जीवन है वो बदलाव महसूस करता रहता है। पर जिसके ऊपर सूर्य की कृपा होती है दोस्तों, वो व्यक्ति या तो राजा होगा या फिर किसी ग्रुप का एक लीडर होगा या वो परिवार में अपने में एक मालिकी का ओहदा संभाल के बैठा होगा। सूर्य की कृपा जिसके ऊपर भी होती है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, उस व्यक्ति का कोई अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसका हर जगह वो जहां भी जाएगा वहां उसको भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी की भी कृपा उसके ऊपर निरंतर बरसती रहती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, उसके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती और उसके जो कार्य हैं वो उनके द्वारा लोगों की भलाई करता है, जिसका पुण्य फल कई गुना अधिक होके उसके पास आता रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये उपाय बताने वाला हूं कि सूर्य पूजा से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और अगर गलती करते हैं आप तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर ऐसी ही जानकारी आप भविष्य में भी चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आसानी से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और अपने जान पहचान वालों में शेयर अवश्य, क्योंकि उनका भी अगर भला होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे ही नाम की आईडी से कुछ फ्रॉड लोग अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, तो उन नंबरों का कांटेक्ट ना करें क्योंकि कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर कभी नहीं होता और पैसे किसी को ना दें। मेरे यहां कोई पैसे नहीं लिए जाते। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो रविवार का दिन है भगवान सूर्य का दिन है। भगवान सूर्य का एक नाम रवि भी है, जिसके ऊपर से ये रविवार नाम पड़ा है। और रविवार के दिन आप अगर भगवान सूर्य की
छोटी सी भी कोई पूजा कर लेते हैं दोस्तों, आपका भाग्य बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो आप रविवार के दिन क्या करें, सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना है और आपको नहा धो के स्वच्छ होना है, स्वच्छ कपड़े पहनने, तांबे के एक लोटे में जल ले लेना है और उस जल में दोस्तों तिल अवश्य डालें। तिल भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है और आप भगवान सूर्य को उनका कोई भी मंत्र, जो मंत्र आपको आता हो, बोलते हुए जल अर्पित करें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः ये मंत्र बोल दो, या फिर ओम भास्कराय नमः, उनके किसी भी नाम को लेते हुए आप जल अर्पित करें। ये करने के बाद अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को एक बहुत उच्च ओहदे पे रखना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ चीजों का आपको रविवार के दिन त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो चीजें भगवान सूर्य को पसंद नहीं है, ऐसी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। उसमें से सबसे पहले आती है दोस्तों मसूर की दाल। मसूर की दाल आपको रविवार के दिन नहीं खानी। दूसरा, जो लोग नॉन वेज लेते हैं उनको रविवार के दिन मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मछली भगवान सूर्य की आराध्या है दोस्तों, तो इससे सूर्य भगवान नाराज हो जाते हैं, तो मछली का सेवन बिल्कुल ना करें। तीसरा दोस्तों, रविवार के दिन बाल ना कटवाएं, ये भी भगवान सूर्य को पसंद नहीं है। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो पांच रविवार भगवान सूर्य का व्रत रखें, जिसमें आप शाम के समय नमक बिना का भोजन करें, जिसमें नमक आपको नहीं खाना है। सूर्य जिसके भी मजबूत होते हैं दोस्तों, वो व्यक्ति लाखों में सूर्य की तरह ही चमकता हुआ उसका व्यक्तित्व होता है। तो सूर्य की पूजा, मैंने पहले भी कहा है कि प्राचीन काल से राजा महाराजा भी सूर्य की पूजा करते चले आए, और आज भी जो सूर्य की पूजा करता है दोस्तों, उसका जो जीवन का लास्ट वो होता है, जिससे जीवन को चार भागों में बांटा गया है, तो जो लास्ट उसका होता है उस टाइम, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर के आता है और उसका पूरी दुनिया में मान सम्मान होता है। उसके पास पैसे और संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, उसकी संतानें फलती फूलती हैं दोस्तों, और उसकी आज्ञा अनुसार ही उसकी फैमिली या उसका समाज या उसका परिवार सारे काम करता है। तो आप भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपके जीवन में इस टाइप की कोई भी उपलब्धि आपको हासिल हो, तो रविवार से ही आप ये पूजा शुरू कर दें। इसमें ना कोई टाइम लगता है ना कुछ करना है, आप करके तो देखिए आपके यहाँ कितनी भी गरीबी हो, कितने भी आप परेशान हैं, आपकी परेशानी चुटकी बजा के खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे
आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और उतनी ही सिंपल है। करते रहिए इसको। समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।